बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। नया दिन नई डिश माय किचन के साथ मैं हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपको आलू का भुर्ता बनाना सिखा रही हूँ और ये भी फौरन झटपट बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप देखिएगा और बताइएगा किस कैसा लगा आपको। ये मैंने एक अदद बड़ी प्याज ली है, इसमें सफ़ेद ज़ीरा है और ये छोटी काली मिर्च है और ये आलू मैंने बॉईल करके उसको मैश कर लिया। मैंने मैशर से मैश किया। आप चाहे तो आप जिनके पास मैशर नहीं है तो वो ग्लास के बैक साइड से भी इसको मैश कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं। और ये मैंने दो टमाटर लिए हैं, ये बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया है और ये हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने लिए हैं। ये चले व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपना। ये मैंने ऑयल डाल दिया खाने में। ये बहुत जल्दी बन जाता है आलू का भुर्ता और इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आपका टाइमिंग भी बचेगी और आपका देखिएगा झटपट बन के जो है एक आपके पास एक डिश बन जाएगी आराम से। आप इसको चाहे तो आप रोटी से भी खा सकते हैं, ये जिस नान से भी खा सकते हैं, दाल चावल है उसके साथ भी आप खा सकते हैं। जो ये बस ये अभी हमें इसको प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, मिलते हैं थोड़ी देर में। व्यूअर्स, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा कम करेंगे और हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, इसमें बहुत से लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं लेकिन मैं अपनी ही डालती हूँ, अपनी अपनी चॉइस है। मैं इसको अच्छे से ही बनाती हूँ। आपका दिल चाहे तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। ये मैंने संडे टमाटर डाले, इसी के साथ में इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं रहेंगे, बस ये एक चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, एक चम्मच मैंने हल्दी ली है टीस्पून और ये नमक है हसबे जायका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। व्यूअर्स, ये अभी थोड़े से टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और थोड़ा इसी के अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज के साथ मसालों के साथ, तो फिर हम इसके अंदर ये अपना आलू जो है ऐड करेंगे। मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। व्यूअर्स, हमारे टमाटर जो है मसाले के अंदर प्याज के अंदर सॉफ्ट हो गए, देखिए इस तरह से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करते हैं जो हमने पहले से इसको मैश करके रखा था, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया तरीके से। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। व्यूअर्स, आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी और डिशेस लेकर आऊँगी कम वक्त में बनने वाली कम बजट के साथ। व्यूअर्स, अब तक जितनी भी मैंने आपसे डिशेज शेयर की हैं आपने देखा है कितने कम मसालों में मैंने बनाई हैं, कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं, आपका इतना मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आपके पास एक डिश बन के रेडी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं आपको
कम से कम बजट में और अच्छे से अच्छे डिश बनाना सिखाऊं मैं, आपका टाइम भी बचे, आपके पैसे भी बचे। व्यूअर्स, मैं आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, इसको हम अभी थोड़ा सा दम पे रखेंगे, मैंने सबको मिक्स कर लिया। ये देखिए सारे आलू मसाले में मैश हो गए, मिक्स हो गए सारे। अब इसको थोड़ा सा एक दो मिनट बस मैंने दम लगाना है, उसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया लगा के इसको एक मिनट के लिए बस दम लूँगी, उसके बाद हमारी डिश रेडी होगी। मिलते हैं व्यूअर्स थोड़ी देर में। व्यूअर्स देखिए, एक मिनट हो गया और हमारी आलू का भरता रेडी हो गया। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के उसको दम लगाया था और हमारा भुर्ता बनके माशाल्लाह से रेडी है। लुक वाइज देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी इतने ही मज़े का है। व्यूअर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स देखिए, मैंने इसको डिश आउट कर दिया प्लेट के अंदर और ये मैं ऊपर से भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा आलू का भुर्ता बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। व्यूअर्स, आपको आज अच्छा लगा, ये भुर्ता अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये आज की डिश कैसी लगी। व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नए डिश के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।